बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए 46 घरेलू नुस्खे अपना कीमती समय निकालकर जरूर पढ़ें। नंबर एक, पीरियड्स नियमित न हो तो यह नुस्खा आजमाएं। 10 ग्राम तिल को 200 ग्राम पानी में उबालें, चौथाई रहने पर उसे उतारकर तथा उसमें गुड़ मिलाकर पिए। नंबर दो, नाखूनों पर तेल की मालिश करने से जोड़ों और घुटने मजबूत होते हैं और बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। नंबर तीन, अगर आपके बाल झड़ते हो तो चमेली का तेल सिर पर लगाओ, बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। नंबर चार, जिन औरतों में खून की कमी हो वह सरसों के तेल से शरीर पर मालिश करें और रोजाना खजूर खाया करें। नंबर पांच, जब आप परेशान हो और शरीर थका थका हो तो अदरक वाली चाय का सेवन करें, इससे बहुत आराम आएगा। नंबर छह, दूध को जब भी उबाले उसमें एक छोटी इलायची डाल दें, दूध खराब नहीं होगा। नंबर सात, पहले से बची रोटी या पराठे का प्रयोग करना हो तो थोड़े से बेसन में नमक मिर्च हींग मिलाकर घोल बनाएं, तवे पर पराठे या रोटी को डालें, ऊपर से घोल डालकर पकाएं, स्वाद बढ़ जाएगा और बची हुई रोटी या पराठा वेस्ट नहीं जाएगा। नंबर आठ, अगर आपका पेट साफ नहीं रहता हो तो आधा चम्मच हल्दी पानी में मिलाकर पिए, पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा और आपके चेहरे पर दाग धब्बे भी नहीं पड़ेंगे। नंबर नौ, अगर आपकी आंखों से पानी निकलता हो तो इसका मतलब है आपकी नजर कमजोर होने लगी है। नंबर दस, बड़ी इलायची का पानी उबालकर पीने से पेट की चर्बी कम होने लगती है। नंबर 11, सुबह नहाने के बाद सिर्फ पांव के अंगूठों पर सरसों के तेल से मसाज करो, आपको पूरा दिन थकावट नहीं होगी। नंबर 12, यदि आपके हड्डियों से भी कट कट की आवाज आती है तो समझ जाना चाहिए कि शरीर में कैल्शियम की कमी हो रही है। कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पनीर, दही और दूध का सेवन करना चाहिए। नंबर 13, खाना कभी भी चप्पल या जूते पहनकर नहीं पकाना चाहिए। नंबर 14, लहसुन के रस में नमक डालकर पीने से पेट का दर्द ठीक हो जाता है। नंबर 15, कभी भी केले के साथ लस्सी नहीं पीना चाहिए, इससे मैदे में दर्द होने लगता है। नंबर 16, सिर पर मूली का रस लगाने से आपके बाल कभी सफेद नहीं होंगे। नंबर 17, चलने से इंसान स्वस्थ रहता है किंतु सुबह के समय पैदल चलने से शरीर को विटामिन डी की प्राप्ति भी होती है। 20 से 25 मिनट पैदल चलने से शरीर में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे हृदय रोग से जुड़ी बीमारियों से बचाव होता है। नंबर 18, अगर मसूड़े फूले हों तो नमक में सरसों का तेल मिलाकर मसूड़ों पर लगाएं, मसूड़ों का दर्द खत्म हो जाएगा। नंबर 19, नींबू पानी सांस की बदबू दूर करता है और स्किन को चमकदार बनाता है, गुर्दों की सफाई करता है। नंबर 20, दूध में छुहारे उबालकर खाने से दुबला इंसान भी मोटा होने लगता है। नंबर 21, अगर आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल हैं तो रोजाना रात को सोते वक्त एलोवेरा का गुद्दा और कच्चे आलू का रस मिलाकर लगाएं, कुछ ही दिनों में डार्क सर्कल्स गायब हो जाएंगे। नंबर 22, अस्थमा की समस्या में नारियल और गुड़ का सेवन बहुत ही फायदेमंद होता है। नंबर 23, दुबलेपन को दूर करना चाहते हैं तो इसके लिए प्रोटीन का सेवन करना बहुत ही आवश्यक होता है, इसके लिए मेवा, अंजीर, बादाम, काजू, मूंगफली, अखरोट आदि का सेवन करें। नंबर 24, डेंगू बुखार होने से शरीर में ब्लड की प्लेटलेट्स तेजी से कम होने लगती हैं, इन्हें पूरा करने के लिए कीवी का सेवन जरूर करें। नंबर 25, यदि नाक में कोई कीड़ा वगैरह चला जाए तो उंगली पर गुलाब का अर्क लगाकर नाक में डालें, कीड़ा बाहर निकल जाएगा। नंबर 26, चावल बनाते वक्त इसके पानी में एक चम्मच घी और कुछ बूंदे नींबू के रस की डालने से चावल खिले खिले बनते हैं। नंबर 27, अगर कान में दर्द हो तो शीर्ष के पत्तों को पीसकर और गर्म करके एक पोटली में रख लें, फिर इससे कान की सिकाई करें, कान का दर्द चला जाएगा। नंबर 28, बासी रोटी गुड़ के साथ खाने से इंसान बहुत कम बीमार पड़ता है। नंबर 29, जायफल को पत्थर पर घिसकर उसका लेप चेहरे पर लगाने से चेहरे के दाग धब्बे और जाइयां दूर हो जाती हैं। नंबर 30, अगर आप खाली पेट काजू का सेवन करते हैं तो इससे याददाश्त बढ़ती है, काजू में मौजूद विटामिन बी से शरीर में एसिड बनना भी बंद हो जाता है। नंबर 31, रोजाना सुबह खाली पेट 4 से 5 काजू खाकर ऊपर से थोड़ा सा शहद चाटने से याददाश्त शक्ति बढ़ती है और दिमागी कमजोरी दूर होती है। नंबर 32, पेशाब की जलन दूर करने के लिए सुबह नाश्ते से 1 घंटा पहले अजवाइन का पाउडर 1 चम्मच पानी के साथ दिन में 1 बार इस्तेमाल करने से भी पेशाब की जलन दूर हो जाती है। नंबर 33, रात की रोशनी के लिए हमेशा सफेद बल्ब का इस्तेमाल करें, दूसरे रंग के बल्ब आपकी नजर को कमजोर कर सकते हैं। नंबर 34, औरत प्रेगनेंसी में केले का सेवन जरूर करें, इससे बच्चे की हड्डियां मजबूत होती हैं। नंबर 35, आप चाहते हैं कि गुर्दे हमेशा ठीक रहें तो रोजाना रात को पेशाब करके सोएं। नंबर 36, माथे पर केले के छिलके मसलने से सिर दर्द में आराम आता है। नंबर 37, सोने से पहले अपने चेहरे पर गुलाब का अर्क लगा लें, उससे चेहरा जल्दी बूढ़ा नहीं होता। नंबर 38,
तेज सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए सेब को छीलकर बारीक काटें, उसमें थोड़ा सा काला नमक मिलाकर सुबह खाली पेट खाएं। नंबर 39, खीरे और नींबू के रस को चेहरे पर लगाएं, इससे आपके चेहरे पर रौनक आ जाएगी। नंबर 40, इसबगोल पाउडर को पानी में और थोड़े से नींबू के रस में मिलाकर पीने से वजन घटाने में मदद मिलती है। नंबर 41, नारियल पानी पीने से इंसान के अंदर की कमजोरी और सुस्ती दूर हो जाती है। नंबर 42, चाय पीने के तुरंत बाद या पहले ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, इससे सर्द गर्म हो जाती है। नंबर 43, रोजाना सुबह एक टमाटर खाने से बाल कभी सफेद नहीं होते। नंबर 44, गर्भवती महिलाओं के लिए नाशपाती का सेवन अमृत समान है, इसमें पाया जाने वाला फॉर्मेट बच्चे को जन्म देते समय होने वाली समस्याओं से बचाता है। नंबर 45, किसी भी लोहे की कढ़ाई में नारियल के तेल को गर्म करें और उसमें करी पत्ते को डालकर काला होने तक पकाएं। जब पत्ते काले हो जाएं तो तेल को आंच से उतार लें और सिर धोने से एक घंटे पहले हल्का गर्म करके इस तेल से सिर की मालिश करें, इससे बालों के झड़ने की समस्या खत्म हो जाएगी। यह अजमाया हुआ नुस्खा है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। नंबर 46, रात को आधा चम्मच त्रिफला एक कप पानी में डालकर रखें, सुबह कपड़े से छानकर इस जल से आंखें धोएं, चश्मा उतर जाएगा। छानने के बाद जो पाउडर बचे उसे फिर एक गिलास पानी में डालकर रख दें, रात को पी जाएं, पेट साफ होगा और कोई रोग एक साल में नहीं रहेगा। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और उपयोगी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और आगे भी ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, स्वस्थ रहो और मस्त रहो।